टिप टिप बरसा पानी और रवीना टंडन अक्षय कुमार ने आग लगाई। दोस्तों दोस्तों दोस्तों, मोहरा फिल्म का यह है सॉन्ग टिप टिप बरसा पानी। अब रोहित शेट्टी साहब इसको रिक्रिएट करने वाले हैं। भाई कहाँ करने वाले हैं, क्या न्यूज है राहुल, चुपचाप से बताओ। नमस्कार, मैं हूँ राहुल, बहुत स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल में। बताना चाहता हूँ दोस्तों की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है भर भर के, और ये बात हमें पता चली है कि टिप टिप बरसा पानी जो कि मोहरा फिल्म का सॉन्ग था, वो क्रिएट होने वाला है फिल्म सूर्यवंशी के लिए। और इस बार रवीना टंडन नहीं अक्षय कुमार के साथ, इस बार होंगी कैटरीना कैफ। जी हां, आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, कैटरीना कैफ का जब से सिलेक्शन हुआ तब से फैंस के बीच में बहुत ज्यादा खुशी की लहर दौड़ गई थी कि फाइनली अक्षय कुमार साहब किसी बहुत बड़ी एक्ट्रेस के साथ काम कर रहे हैं। और ये बात मुझे काफी सारे फैंस ने बोले कि अब फाइनली जो है फिल्म का बजट भी अच्छा हो जाएगा, फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू आएगी, फिल्म में ग्लैमर और बढ़ेगा। आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं ये जो कैटरीना कैफ और अक्षय कुमार जी का ये जो सिजलिंग सा हॉट नंबर होगा, इससे पहले हम देख चुके हैं। अगर आपको फिल्म याद होगी दोस्तों, दे दनादन के अंदर सेम कैटरीना कैफ ने मुझे पहली मोहब्बत है गले लग जा न जा, उसमें कैटरीना कैफ अमेजिंग लग रही थी। कैटरीना ने उसमें अलग अलग साड़ियां पहनी थी, मुझे ब्लैक और येलो की याद है, because she was looking just amazing in that attire. So ऐसे में दोस्तों यहां पर अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि रिक्रिएशन में क्या ओरिजिनल सॉन्ग की ऑथेंटिसिटी कहीं खराब ना हो जाए, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि रिक्रिएट होता है, रिमिक्स होता है, तो वो चीजें खराब हो जाती हैं। मैं चाहता हूं कि उसको एज इट इज रखा जाए, उसे और भी ज्यादा सेंसुअस और सेडक्टिव बनाया जाए। आपको क्या है कहना, आर यू गाइज रियली वेटिंग फॉर दैट? कमेंट सेक्शन में जाएं, मुझे जरूर बताएं, और बने रहिए चैनल के साथ, क्योंकि मैं राहुल भोज आपको इसी तरीके की चटपटी बातें बताता रहूंगा।